प्रेमियों, ये थोड़े दिन की यात्रा है। ये मनुष्य थोड़े दिन के लिए आपको काल भगवान ने दिया और थोड़े समय के बाद ही इस मकान को अपना ले लेगा। फिर आप अपनी जीवात्मा को, अपनी रूह को मालिक के पास नहीं पहुंचा सकते। यही अवसर, यही समय आपको मिला है कि अब की बार इसको आप चूको नहीं। जो लोग इसको समझ गए कि मनुष्य नहीं मिलेगा, ये किराए का मकान है, खाली हो जाएगा, तो ये सब संसार की वस्तुएं सब नहीं पड़ी रह सकती। आप इसको देखते और चले जाओ, कहोगे ये संसार की छाया थी जो हमारे हाथ में नहीं आई। क्यों इसमें इतना परिश्रम करके तकलीफ उठा रहे हो और मुझे को लाद रहे हो? उसने अपना नियम बना दिया है कि अच्छा ये बुरा है, ये पाप है पुण्य है, और तुम जो भी चाहो दोनों से काम करो, पुण्य करो, पाप करो, पाप करो। उसकी तरफ से कोई रोका टोकी नहीं है, लेकिन ये सब जमा होगा। जब आप यहां से वहां जाओगे तो आपका हिसाब किताब होगा और वो फिर आपका फैसला करेगा कि इनको चारों खानों में, पशु पंछी और कीड़ों में या नरकों में इसको ले जाओ, तो इसमें से निकाल के उसमें बंद कर देगा और वहां सख्त कठोर सजा देगा। फिर आप वहां चलाओगे। महात्माओं ने जब इस मनुष्य शरीर में जब बैठ करके अपनी आंख खुली और उससे उन्होंने देखा तो जीवों को अतिशय त्रास, अतिशय कष्ट दिया जाता है। जीव रोते हैं लेकिन अब कोई उपाय नहीं बचने का। अभी तो आप बच सकते हो कि मनुष्य तो अभी आप इसमें खेल में कूद में खाने पीने में इसमें अपना समय लगा दे रहे हो, तब तक श्वासों की पूंजी खत्म हो रही और यहां से आप चल दोगे, बस ये छोड़ दोगे, क्या रहेगा? सारा का सारा मुल्क का सब सामान छूट जाएगा। जो भी देख रहे हो, सुन रहे हो, जो भी थोड़ा बहुत रखा हुआ सब छूट के चला जाएगा। फिर दोबारा आपको ये मर्दई मनुष्य शरीर फिर इसको भोगने के लिए आपको नहीं मिलेगी। इसलिए अब की बार इस मनुष्य शरीर के द्वारा इस जीवात्मा को उस मालिक के पास, उस प्रभु के पास में पहुंचा दो। रास्ता तुम्हारे सबके पास से गया, सब मनुष्यों के पास से रास्ता गया, लेकिन ये कि उनको महापुरुष मिल जाए और रास्ता बता दे तो ये काम हो जाए, नहीं तो ऐसे ही भटका खाओगे। बोलो। आप बड़े ध्यान से सुनो। मैं कौन कुमते जानी, देश पर आया भाई वीरान। और ये कहते हैं कि संसार में आपने जन्म ले लिया तो यार किसमें आप फंसे हुए, यानी किस कुमत में फंसे हुए हो, और पराये हो गए। पराया सामान, पराया ये मनुष्य शरीर दूसरे का है और ये सामान दूसरे का, इसमें दीवाना पागल हो रहे हैं। न तुम्हारा ये है, न तुम्हारा ये सामान है, अब पागल हो रहे हो। इतने तुम दीवाने हो रहे हो कि आप अपने को भूल गए और अपने मालिक को भूल गए, अपने सुख को भूल गए, अपने आनंद को। तो बहुत प्यार से महापुरुष याद दिलाते हैं, अरे तुम कहाँ, किस तुम्हें तो उलझन में फंसे हो, ये थोड़े दिन का खेल तमाशा है और बाकी सब खत्म हो गया। इसलिए इसमें दीवाना मत हो, तुम्हारे अंदर में धार शब्द की नाम की आ रही है उसे पकड़ो, तो ये सब राहत मालिक का तुम्हारा सब खुल जाएगा और असली चीज तुम पा जाओगे, नहीं तो जीवन ऐसे बर्बाद हो जाए। बोलो। अब की बार मोई ने बहु बार सुधारी,
मैं चरणन पर निसरनवा। और वो सुरात के सुरत प्रार्थना करती है कि स्वामी ये मनुष्य शरीफ है आपकी बार, मैं आपके चरणों में निछावर हूँ, आपकी बार मुझे छुड़ा लो, यहाँ से निकाल लो, नहीं तो हम बड़े खर्च बड़े दुख उठाएंगे और मुझे ये अवसर कभी मिलेगा नहीं, आपकी बार मुझको सुधार में निकाल लो, यहाँ से मैं आपके चरणों पर बलिहार होता हूँ, आपका हो जाता हूँ। इसलिए सुनत ये प्रार्थना महापुरुषों से अपने निकालने के लिए घाट पर बैठकर अति प्रार्थना कर रही और रो रही है, और मालिक घाट पर बैठ करके प्रार्थना सुन लेगा, सुनेगा प्रार्थना, नहीं अगर प्रार्थना सुनता तो उसके होने और आने का ना आने का क्या फर्क है, जरूर सुनेगा। बोलो राम पाचिताई झुरु मन अपने कैसे लगूं मैं संग पिया तुम्हारा। मैं बहुत पछताता हूँ संसार में रहकर और बहुत अफसोस करती हूँ कि मैं इतनी गंदी हूँ, मेरा मन भी मेला, मेरा चित्त भी मेला, मेरा अंतःकरण भी मेला, मेरी बुद्धि भी मैली है और मेरी सूरत भी मैली हो गई, तो मैं पिया के पास में कैसे पहुँचूँ। इसलिए अफसोस और जुड़ती है, पश्चाताप करती और प्रार्थना करती है कि आपकी कृपा उदया हो जाए तो आप उभार सकते हो, निकाल सकते हो, नहीं तो मैं कुछ नहीं कर सकती। ऐसी सूरत महापुरुषों के चरणों में बैठ के और विलाप करती है और प्रार्थना करती है, सुनाई हो जाएगी। बोला मैं धरती पिया बसे आकाशा बिन पाए पिया रहूं। मैं तो यहाँ जमीन पर अपने शरीर में फंसा हुआ हूँ, इस बंधन में, इस जड़ में फंसा हूँ, तो मैं तो निकल नहीं सकता हूँ। मेरे पिया वो तो मैं तय कहते हैं कि आकाश में रहते हैं, यहाँ नहीं रहते, क्योंकि यहाँ अगर रहते हो तो कहीं ना कहीं मिल जाते, तो यहाँ तो रहते नहीं, मैं धरती पर रहता हूँ, तो इन सब बंधनों में फंसा हूँ मैं, तो इन बंधनों में फंस करके और कर्जा दे रहा हूँ, मेरा तो कर्जा चुक नहीं सकता है, आपकी मेहर दया हो जाए तो आप उसको माफ कर सकते हो, मुझे निकाल सकते हो, क्योंकि पिया तो हमारे यहाँ का, वो तो बहुत दूर रहते हैं, वो यहाँ कभी आएंगे भी नहीं। अब प्रार्थना करती है महापुरुष से कि आप ही सब, आप ही दीनानाथ हो, आप दीन दयाल हो, आप ही कृपा कर सकते हो, आप ही दया कर सकते हो, आप ही हमको सहारा दे सकते हो और हमारे तमाम गुनाहों को और पापों को आप ही माफ कर सकते हो, और दूसरा कोई नहीं, प्रीतम को हमने देखा नहीं, मालिक को तो हमने देखा नहीं, कहाँ पर है, आप ही, मैं भेद बताया तो आप ही हो, जब इनको मान लेगी तो फिर क्या देर लगेगी, मान लिया तो फिर मान लिया, और मान लिया तो चल पड़ी, और मान लिया तो सफाई हो जाएगी, सफाई हो जाएगी तो अंतर घाट पर बैठ करके आँख खुल जाएगी, कान भी खुल जाएंगे और मेरे को देववाणी जो ब्रह्मवाणी आकाशवाणी सुनने लगेगी और चढ़ाई होने लगेगी। और अगर उसने इनको नहीं पकड़ा तो वो तो प्रीतम यहाँ नहीं है, तो आकाश में रहते हैं, तो नहीं पा सकते। बोलो हे साते गुरु सुनो मेरी चेरा काल कर्म अब मारोगे। ए गुरु आप मेरी टेर को, मेरी आवाज को जो कल्लो भरी है उसको सुन लीजिए कि ये काल क्रम ने मुझको रोक करके रखा है, इनको हटाइए, दया करके इनको हटाइए, ये मुझे घाट पर नहीं आने देते, मुझे न ध्यान करने दे, न भजन करने दे, न सुनने दे और न देखने दे, आप कृपा और दया कर दीजिए, मैं आपको टेर लगा रहा हूँ, विनती कर रहा हूँ दीन भाव से। अब सूरत रो रही, चिल्ला रही, विलाप कर रही, तड़प है, जब तड़प आएगी तो मालिक उसको बर्दाश्त नहीं कर सकता, क्योंकि ये कोई शारीरिक तड़प तो है नहीं, ये तो आत्मिक तड़प है, तो मालिक फौरन अपना सामान तैयार करेगा, इसको बुलाने के लिए तैयार कर देगा तो काम बच जाएगा, और बिन रोए पिया कभी मिलेगा नहीं, जब आंसू आएगी तभी मालिक हाथ में आएगा,
तभी निकट आ जाएगा और ये पिया को तब प्राप्त कर लेते। हसद कभी नहीं मिलता, रो रो करके मिल गया। और जिसने भी पाया मनुष्य रूपी मंदिर में बैठकर रो करके उन्होंने उसको प्राप्त कर लिया। क्योंकि जब अंदर की आँख खुल जाती है तो छोटी मोटी चीज नहीं है। ये तो मैं बड़ी सुलभता से आपको आसानी से कहता हूँ, इसलिए आप जब ये चीज खुलती है अंदर में घाट खुलता है तो क्या क्या आपको अनोखा अद्भुत दृश्य जो कभी आपने सुने नहीं कभी देखे नहीं वो जब सामने आते हैं तो फिर वाह होता है साधक। तब कहता है कि मालिक ने कितनी मेहर दया की है कि मेरी आँख खोल करके सब चीजें दिखा रहे हो। अभी तो यहाँ पर तो बंद है, ये सब की सब इसमें कूड़ा कचरा भरा हुआ पहाड़ों की तरह से, और ये जीवात्मा सूरत ये रू दबी हुई है और आँख बंद हो गई, कान बंद हो गए, नाक बंद हो गए। अब उसको होश भी नहीं आता कि मेरी क्या महक है, क्या मेरी खुराक है, क्या मैं देख सकती हूँ, क्या सुन सकती हूँ। लेकिन जब विधि मिल जाते हैं और ये चिल्लाती है, मिल गए, अब चिल्ला रही रो रही है, पुकार सुन ली जाएगी, अब तड़प रही है और घर में बैठ के प्रार्थना कर रही है। अब यही सूरत उठ करके जब जाएगी अपने प्रीतम से तो सारा राज वर्णन करेगी, साफ कहेगी कि हमने यहाँ से वो देखा, इस तरह से चलो, वो देखा वहाँ पहुँची, ब्रह्म को पाया, पार ब्रह्म को पाया, उसको पा लिया, मालिक के पास पहुँच गई, सब वर्णन करेगी। और अभी विलाप कर रही है, रो रही है कि मुझको निकाल लो, नहीं तो इस समय निकला जा रहा। सही बात है, इस समय जा रहा है, और बस फिर कुछ हाथ नहीं आया।